ब्रह्मा कुमारीज प्रेजेंट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगाथॉन स्वास्थ्य ही समृद्धि। है साधना है आराधना है योग प्रयोग है सहयोग है योग ज्ञान है विज्ञान है योग सत्य है प्रेम है शांति है योग बल है शक्ति है सामर्थ्य है योग अगन है लगन है मगन है योग गौरव है गरिमा है सम्मान है योग ढाल है कवच है आवरण है योग दुआ है दया है करुणा है योग जीवन है यात्रा है योग मिलन है संबंध है अनुभव है योग सुख है आनंद है विश्राम है योग ही स्वास्थ्य है योग ही समृद्धि है। ओम शांति, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। भारत विश्व का एक अनोखा, अनूठा और महान राष्ट्र है। अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोए रखने की भूमि है भारत। आध्यात्म की जननी है भारत। देवी देवताएं, ऋषि मुनि और तपस्वियों की भूमि है भारत। इसीलिए कहा गया है, बहती है जहां गंगा यमुना, आते हैं जहां भगवान, सब करे नमन जिस भूमि को, वो है मेरा भारत महान। रहन सहन खान पान जिसका सबसे पवित्र है, ये नहीं रखता वैर किसी से, हर कोई इसका मित्र है। सब पाते सम्मान सदा जो मेरे देश में रहता, तभी तो अपने देश को सब कहते भारत माता। दिस सेक्रेड लैंड, द लैंड ऑफ भारत, इज ऑल्सो नोन फॉर मेनी इन्वेंशंस। इन्वेंशंस लाइक एल्जिब्रा, नंबर जीरो, द वैल्यू ऑफ पाई, द गेम ऑफ चेस, शैम्पू एंड इवन डायमंड माइनिंग सबसे पहले विश्व में भारत में ही शुरू हुआ था। Ayurveda is the earliest school of medicine known to man. 17वीं सदी के पहले सारे विश्व में भारत सबसे समृद्ध राष्ट्र का कहलाया जाता था। कहते हैं भारत की अपनी पूरी इतिहास काल में भारत ने किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया। विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर और मस्जिद भारत में ही है। World's first university was established in Takshashila in 1700 BC. कहते हैं भारत में 19,500 से भी ज़्यादा भाषाएं और बोली मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। कंप्यूटर का बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज इज द संस्कृत लैंग्वेज। इस महान राष्ट्र को नमन करते हुए चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये बहुत सुंदर भारत के महिमा का गीत। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा, सारी दुनिया देखेगी उज्जवल भारत प्यारा। चमकेगा भारत भाग्य सितारा,
गौरवशाली इस भारत की कहता विश्व कहानियां मंदिरों में वैभवों की कायम सन 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने भी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत हम 5 दिवसीय योगाथॉन का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य टाइटल है स्वास्थ्य ही समृद्धि। वर्तमान समय को देखते हुए, जहां हम बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो इस योगाथॉन को हम योगा एट होम, योगा विद फैमिली के जरिए से हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। इस योगाथॉन में हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और इसका प्रसारण पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल और यूट्यूब प्रभु उपवन के माध्यम से आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, मैराथन में लंबी दूरी की दौड़ होती है, इसी तरह इस योगाथॉन में भी हम 5 दिवस की लंबी दूरी तय करेंगे और इन 5 दिनों में आपको सिर्फ हर दिन सुबह 1 घंटा 8 से 9 परिवार सहित शामिल होकर इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इन 5 दिवस में योगाथॉन के अंतर्गत हम योगा, एक्सरसाइज, आसन, मेडिटेशन, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन और राजयोगा मेडिटेशन को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और इन बातों को बताने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे प्रसिद्ध आध्यात्मिक और योगा गुरुज, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, फेमस टेलीविजन, फिल्म एंड स्पोर्ट्स के कलाकार और साथ में अनुभवी तपस्वी राजयोगी मिलकर के हम सबको अपना अनुभव शेयर करेंगे। कहते हैं दोस्तों, बीती को बिसार कर करे गॉन इज गॉन, बीती को बिसार कर करे गॉन इज गॉन, होकर सभी इकट्ठे हम चलो कर लें योगाथॉन। कार्यक्रम के नेक्स्ट पड़ाव में हम सुनते हैं एक्टर, रेसलर, बहुत फेमस एक्टर, रेसलर, फिलंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और हेल्थ गुरु संग्राम सिंह को, और साथ में हम सुनेंगे मॉडल एंड टीवी एक्ट्रेस सिस्टर अर्जुमन मोहगल को, और साथ में टीवी मॉडल और एक्टर ब्रदर राजीव पॉल को भी हम सुनेंगे। नमस्ते, मैं हूं संग्राम सिंह, रेसलर, और ब्रह्मा कुमारी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप वैसे ही पूरे संसार में शांति का संदेश लेकर आते हैं और कहते हैं ना कि योग भगाए रोग, तो ये परफेक्ट है क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रह सकता है। और ये बखूबी मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जो एक्चुअली सबसे बड़ी वेल्थ है वो है हमारा शरीर, उसके बाद ये सब सेकेंडरी है। तो इसीलिए आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में आप पार्टिसिपेट करो और ढेर सारी शुभकामनाएं, एकजुट हो, क्योंकि वैसे मैं बहुत फॉलो करता हूँ आप सबको। और थैंक यू सो मच। और एक पुरानी कहावत है कि लकीरों से पैर बाहर तब आते हैं जब सपने जिदे निकल जाते हैं। और कहते हैं कि भैया, मन सब के पास होता है मगर मनोबल कुछ के ही पास होता है, इसलिए लाइफ में कभी क्यों मत करो, क्योंकि चैंपियन कभी हार नहीं होता, और चैंपियन वो नहीं होता जो
मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो है जो अपनी लाइफ में लगातार कोशिश करता रहता है, और ये आपसे ही हमने सीखा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं योग दिवस की। ब्रह्मा कुमारीज, आप ऐसे ही एक शांति का, प्यार का संदेश सब तक फैलाते रहो, पहुंचाते रहो, अच्छी हेल्थ के साथ। Hi, my name is Arjun Mughal and I am going to tell you my yoga story. Actually, I was introduced to yoga when I was in actor prepares, and since then I have been doing yoga. Actually, I have been so weak. My organs were weakened and my bones were having issue. I was having issue in my bones. Also, I got a PCOD problem. So when I started doing yoga, it was completely gone. Within 1 month, my weight got shed, and I was completely feeling well. Yoga did not only make me feel good and fit me, reduced my weight. Also, it made me mentally strong. And I believe yoga is the best exercise, and everyone should follow. It takes only 30 to 40 minutes to perform yoga. When I wake up, I just have warm water, and after that I perform yoga, and after that I just follow my daily routine. So it's wonderful to do yoga, and it's not exercise, it is a cure for disease. Also, it will make you mentally fit, it will make you physically fit, and at this time of COVID-19, when you are not able to go out and perform your exercises, then you can do yoga at home. It is easy and a wonderful source of good health. So guys, follow yoga, it's wonderful and the best exercise. Thank you. Hi, this is Rajiv Paul, और मैं ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमारी से जुड़े सभी लोगों को इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशंस के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझसे पूछा गया है कि मेरे लिए योगा का मायने क्या है। मुझे लगता है कि योगा मतलब फोकस, योगा मतलब मेडिटेशन, योगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। अगर आप कोई भी काम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो वो योगा ही है। योगा हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए एक तरह का कवच है जो आगे आने वाली बीमारियों से हमें पहले ही बचने की क्षमता देता है, ताकत देता है। तो अगर आप योगा का किसी भी तरह में अगर योगा की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योगा के अलग अलग योग हो, चाहे वो किसी तरह का एक्सरसाइज फॉर्म का योगा हो, बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए। मेरे लिए योगा का मायने है जब मैं पोइट्री लिखता हूँ और मैं पूरी एकाग्रता के साथ उसमें जुड़ा होता हूँ, मेरे लिए वो योगा है। जब मैं अपने किरदार को निभाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जब मैं सेट पे होता हूँ और अपने काम में जुड़ा होता हूँ, तो मेरे लिए वो भी योगा है। जब मैं किसी बच्चे के साथ खेल रहा होता हूँ, वो भी योगा है। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, एक गार्डन में वॉक कर रहा हूँ, नेचर में चाहे समुद्र की लहरों का मजा ले रहा हूँ, चाहे पहाड़ों में हवा का मजा ले रहा हूँ, चाहे अपने दिन मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें किसी के लिए खाना बना रहा हूँ, अपने परिवार के साथ बैठा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, एक अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, वो भी योगा है। आपका कोई भी काम जो आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छा हो, वो योगा ही है। तो आप किसी न किसी तरह से जाने अनजाने में योगा से जुड़े हैं। अगर आप सांस लेते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सूरज की रोशनी और इतना अच्छा वातावरण दिया है जिसमें हम सांस ले सकते हैं, तो योगा ही। योगा से जुड़े रहिए, योगा से जरूर होगा। और इस माहौल में जो अभी इस वक्त दुनिया में चल रहा है, योगा हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर होना चाहिए। और ब्रह्म कुमारी और इनके सारे सेंटर्स के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना समाज की भलाई के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ओम शांति। तो दोस्तों, आपने सुना कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। शरीर, इंद्रिया और मन को पूर्ण रूप से अनुशासित कर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग
संकल्पों की साधना है। जिस प्रकार समुद्र के तरंगों में चंद्रमा का बिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारे चित्त में वासनाओं का निरंतर तरंगों के कारण आत्मज्योति का बोध नहीं होता, योग नहीं होता। आज के वर्तमान समय में हम सब स्वयं की रक्षा के लिए मास्क पहनते हैं और मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखकर कभी कभी उसकी पहचान नहीं हो पाती है। वैसे ही ये चेहरा और ये देह रूपी मास्क के अंदर हम आत्मा को पहचान नहीं पाते हैं। And it is very beautifully said, in today's world where everybody is wearing a mask, it is a privilege to see a soul. काश हमारे ये नेत्र देह की बजाय आत्मा को देख पाते तो शायद जीवन का सौंदर्य का खुशी का सफलता का जो परिभाषा है वो कितनी श्रेष्ठ कितनी सुंदर और कितना महान हो जाता। मानव अकेले नहीं रह सकता है, वो संगठन में रहता है और वो संगठन में रहने का जो आधार है हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन। वी आर ऑल कनेक्टेड। आई एम कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, कनेक्टेड टू नेचर, कनेक्टेड टू माई फ्यूचर। और इस कनेक्शन का आधार है हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म, और ये तीनों ही एक एनर्जी है। आई एम एन एनर्जी इन रिसाइडिंग इन दिस बॉडी। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर बी के ईवी स्वामीनाथन भाई। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, राजयोगा मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं और वो विविध विषयों को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका एक विजन है टू क्रिएट अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। उनसे हम सुनेंगे एनर्जीज ऑफ लाइफ के बारे में। साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाइट रिलैक्स करवाने के लिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे कविता पंड्या बहन, जो कि भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम के 8 वर्ष तक वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच रहे हैं। वो UAE के इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट टीम के भी कोच रहे हैं, भारतीय हॉकी जूनियर टीम के भी वो कोच रहे हैं। और उनकी विशेषता है कि उन्होंने इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को 5 T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट और 1 वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कोचिंग किया है। वो 5 वर्ष तक भारत की फास्टेस्ट एथलीट रही है। लेकिन एक्सरसाइज के पहले सबसे पहले सुनते हैं स्वामीनाथन भाई। ओम शांति और नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी भाई बहनों का बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आई एक्सटेंड ए वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर द टॉपिक एनर्जाइजिंग लाइफ। हम अपने जीवन को ऊर्जा से कैसे भरपूर कर सकते हैं। कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हम कर्म तो करते ही हैं, लेकिन कितने उमंग उत्साह के साथ कोई कर्म करते हैं इस पर विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपने बचपन के दिनों को ज़रूर याद करिए। आपको सुबह उठकर स्कूल जाने में कितना तकलीफ होता था, लेकिन अगर आपको पता है कि कल आपको किसी पिकनिक में जाना है तो रात को नींद नहीं आएगी। सुबह हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, कितने उमंग उत्साह में, कितने खुशी में और कितने आनंद में हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और दौड़ते दौड़ते हम स्कूल पहुंचते हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा से कर्म करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो ऊर्जा जो है 2 स्तर पर काम करती है। एक है शारीरिक स्तर पर और दूसरा जो है वो मानसिक या भावनात्मक स्तर पर। द एनर्जी वर्क्स एट द फिजिकल डायमेंशन एंड एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा होने का मतलब है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा और हमारा शरीर निरोगी होगा। मुझे याद आता है इसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, तो मैंने कहा देखिए
हम अपने जीवन की मनोकामना को लेते हुए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, इस मनोकामना को लेते हुए हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से ये मन्नत मांगते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। सभी ने कहा यस। तो मैंने लोगों से पूछा, अच्छा बताइए, जिन देवी देवताओं के पास हम मंदिरों में जाते हैं, वो देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? तो एक भाई ने हाथ खड़ा करके कहा, स्वामी भाई, देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने कहा, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्या करते थे, कौन सा व्यायाम करते थे? तो सभी लोग सोचने लगे, आप भी इस पर विचार करिए। और दोस्तों, अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवताओं का इन मंदिरों में गायन होता है, इसका मतलब है कि एक समय पर ये धरती बहुत सुंदर स्वर्ग था और यहाँ पर यही देवी देवताएं निवास करते थे, कंप्लीट हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो दोस्तों, जरा सोच कर बताइए कि ये देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन सा व्यायाम करते थे? मुझे विश्वास है कि हम भारतवासियों को फटाक से जवाब मिलेगा कि देवी देवताएं बहुत खुशी में, बहुत आनंद में नृत्य करते थे, डांस करते थे। इसे सभी देवी देवताओं को रास करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, भारत में एक समय पे जब देवी देवताओं की दुनिया थी, उस समय तन बहुत दुरुस्त था और मन बहुत खुशी में, मन बहुत आनंद में था। 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता युग, गोल्डन एज और सिल्वर एज में देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग था, इसलिए खुशी में, आनंद में हम नृत्य करते थे। जैसे ही हम द्वापर युग में पहुंचे तो हमारे अंदर जो दिव्य गुणों की जो सकारात्मक ऊर्जा थी दोस्तों, वो धीरे धीरे कम होने के कारण मन निराश होने लगा और जब मन निराश और उदास होने लगा तो नृत्य करने का मन नहीं किया। और उस समय, आज से करीब 2500 वर्ष पहले, ऋषि पतंजलि ने ये देखा कि अब क्योंकि लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं तो रोगी बनने लगे हैं। तो फिर उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जो पूर्वज क्या करते थे, तो उनके पूर्वज जो थे वो देवी देवताएं थे, वो तो नृत्य करते थे, लेकिन उस समय के लोग क्योंकि मन से उदास थे तो नृत्य नहीं कर सकते हैं। और उस समय ऋषि पतंजलि ने वही नृत्य के अलग अलग पोज को लेकर योगासन डेवलप किया। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, तो उससे ये ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसके कारण हमारे शरीर जो है वो तंदुरुस्त होता है। तो चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम शुरू करते हैं शारीरिक व्यायाम से। और मैं सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन करूँगा कि जब वो ये एक्सरसाइज करें तो बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ एक्सरसाइज करें। सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक and we will do some physical exercises. Om Shanti. आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं and a very very happy International Yoga Day to all my dear friends. Today the phase which we are going through, जो pandemic की phase चल रही है, बहुत ही difficult phase है, पर सब जगह पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, वो है immunity. इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, रखें, जिससे हम ये सब सिचुएशन हो या एनी सिचुएशन हो, हम इजीली फाइट कर सकें। और उसके लिए आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस लेके आऊंगी जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बेटर कर सकते हैं और इस पूरे दौर को हम अच्छे से फेस करके, अच्छे से फाइट करके जीत सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सरसाइजेस। दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी फॉर ऑल द एज ग्रुप, जहाँ हमारे 6 साल के छोटे बच्चों से लेके 60 साल के बच्चे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद द लेग रोटेशन। हम ऊपर से लेके नीचे तक एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में हम ज्यादा करके मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, इस सब पे फोकस करेंगे। राइट, सो
Let's follow. Let's start with the neck rotation. Let's go side to side. Side to side. Make sure when you're doing the exercise, you're normal breathing kar rahe hain. And keep your muscles absolutely relaxed. Let's do it around 4 to 5 repetitions. Each side. Okay, now let's watch from one side to another. Same thing on exercise. Har ek exercise ke repetitions around 5 to 6 repetitions rakhenge. While performing, make sure that you're breathing normal and your muscles are absolutely relaxed. Now let's watch up and down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Very important thing when you're performing any exercise, एक चीज कभी मत छोड़ना है हमारी स्पाइन, बिकॉज व्हेन यू स्पाइन ऑटोमेटिकली वो एक मैसेज हमारे ब्रेन को पहुंचाती है कि ये चीज करने से बहुत ही आनंद है. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड फॉर योर शोल्डर्स. सो कीप योर आर्म्स रिलैक्स्ड एंड रोटेट योर शोल्डर फॉरवर्ड. और जैसे मैंने कहा है कि हर एक्सरसाइज हम 5 से 6 रेपिटेशंस करेंगे. So now let's go backward. 2, 3, 4, 5, and 6. Alright, now extend your arm sideways and we start with small rotations. Chote chote rotations karte hue, gradually rotation ko bada karenge, aur bada karte hue rotation ko full rotate karte hue, hum yahan par forward में stop करेंगे. Now same thing, let's start with backwards. Let's do start with small rotation. Slowly, slowly increase the rotation. Increase करते हुए धीरे धीरे full rotation करेंगे. Yeah, that's it. That's the way. Keep your muscles relaxed. Keep put on your smile always. And keep your muscles loose. Focus on not breathing. Just relax. Now, palm facing upward, the sky. Elbow close to your body. And rotate your hand outward. This is your internal rotation. This work on your shoulder mobility. Shoulder ke jo ball or socket joint hai, usko hum free karne ke liye ye exercise karte hain. Again, let's change. Keep your arms 90 degree and rotate it forward. So your internal rotation exercise, as I said, we'll do it around 5 to 6 repetitions. That's the way. Now, let's go to the next exercise. Go ahead. Little bit of turns and twist. Jaise ki life mein turns and twist hote hain. वैसे ही हम एक्सरसाइज में टर्न्स एंड ट्विस्ट इजीली करेंगे. जैसे लाइफ के टर्न्स एंड ट्विस्ट में हम बहुत अच्छे से उसको फेस करके करते हैं. सेम वे लेट्स टर्न्स एंड ट्विस्ट अलोंग विद योर स्माइल. नॉर्मल ब्रीदिंग, मसल्स रिलैक्स्ड एंड ईच साइड विल डू अराउंड 4 to 5 रेपिटेशंस. नाउ लेट्स चेंज. Make sure you extend your arm completely up. Arms aapke upar honi chahiye. Straight. That's good. Now let's go the next exercise. That is sides bends karenge. Side bending karenge. Again, koi bhi exercise karte hue, make sure that aap chhatke na. Keep your muscles absolutely loose and relaxed and smoothly मूव करते रहो. स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए हर एक एक्सरसाइज का.
On the next thing, that is your hip rotation. Your legs have to be in line of your shoulder width apart, and slowly rotate your hip. Yeah, that's good. That's the way we do, as I said, around 5 to 6 repetitions. मैं हमेशा एक्सरसाइज करते हुए खुद को मोटिवेट करते रहती हूँ. Because if you won't motivate yourself, you won't be able to enjoy the exercise. So हमेशा ये चीज रखनी है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ो. Alright, so now let's focus on the hip area, which is very, very, very important. हम hip को ज़्यादा neglect करते हैं, बहुत ज़्यादा exercises नहीं करते हैं या उसको flexible नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे issues होते हैं. इसीलिए हमें hip पे भी work करना बहुत ज़रूरी है. So we'll start with the quad stretch. So हम ankle के थोड़ा ऊपर hold करेंगे, over here, और उसको पीछे लेके जाके stretch करेंगे. And हम individual side कर रहे हैं, जिससे हमारे स्टेबिलिटी पे भी काम होगा. बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा बैलेंस करने में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. इनिशियल स्टेज पे ये बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, पर लेटर ऑन आपकी जैसे बैलेंस बेटर होगी, स्टेबिलिटी बेटर होगी, ये एक्सरसाइज और अच्छी बनेगी. और धीरे धीरे जो हो सकता है, जितने भी लोग जितना नीचे ले जा सकते हैं अपने शरीर को, आप ले जाइए. जितनी नीचे आप जा सकते हो जाइए. Again, it's a little bit, not very difficult, but little bit more challenging on your stability. So slightly make sure you keep your knee little soft. Thoda sa knee bend karenge, aur ye leg ko piche push karte hue niche jayenge. That's the way. As I said, around 5 to 6 repetitions. ये हो गया एक एक्सरसाइज जहाँ पे हमने हमारे क्वाड्स को, हमारे हैमस्ट्रिंग्स को और हमारे स्टेबिलिटी पे हमने काम किया. कम अप ऑन योर टो, डाउन ऑन योर हील. ऑन योर टो, डाउन ऑन योर हील. On your toe, down on your heel. On your toe, down back on your heel. Last time on your toe and down back on your heel. So here we finish the entire stretch, body stretch from your head to your toe. Om Shanti. Welcome back. आप सभी ने मिलकर बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ व्यायाम किया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खुशी से करते हैं, तो हमारे लंग्स में, फेफड़े में ऑक्सीजन फ्लो होता है और शरीर अच्छा फील करता है. लेकिन दोस्तों, जब फीलिंग की बात आती है, ये फीलिंग तो मन से होता ना, तो वर्तमान समय पर हमारा मन का मूड कैसा है, वर्तमान समय पर हमारे मन की ऊर्जा की स्थिति कैसी है. और दोस्तों, मन की ऊर्जा डिपेंड करता है मन के संकल्पों के आधार पर. अर्थात जो हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है. और अभी का समय अगर हम देखेंगे तो बहुत अनिश्चितता है. देयर्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी अपने लिए, परिवार के लिए, खास कर जॉब के प्रति. संबंधों में बहुत टकराहट हो रही है और एक बहुत बड़ा डर और भय का माहौल हो गया है. तो जब मन उदास होता है, तो बताइए मन की ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है. और मन अगर खुश नहीं है तो तन दुरुस्त कैसे हो सकता है. इसीलिए जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, भले वो शारीरिक व्यायाम ना भी कर सके, लेकिन मन को शक्तिशाली, मन की ऊर्जा को बढ़ाने पर चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है. तो दोस्तों, आज का टॉपिक एनर्जाइजिंग लाइफ, जीवन में हम सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरपूर बने, ये हम 3 स्टेप्स में
समझेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी, अर्थात हमारे अंदर जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु कौन सा है, फर्स्ट। सेकंड जो है, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारे शरीर में और हमारे जीवन में। और तीसरा है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका हम जीवन में कहाँ प्रयोग करें और जीवन में कहाँ उपयोग करें। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र बिंदु, ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का प्रयोग एवं उपयोग, इस बात पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस ऊर्जा का उत्पादन की थ्योरी हम सिंपल सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, केंद्र बिंदु है वो। तो सूर्य से प्रकाश का प्रवाह होता है, हमारे धरती पर पड़ती है और हमारे धरती में जीवन व्यवहार और निर्वाह होता है, राइट। अगर हम हाइड्रोलिक एनर्जी की बात करें, अगर हम जल शक्ति की बात करें, तो ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु होता है और वो होता है डैम। हमको पता है डैम में पानी का संग्रह होता है, फिर पानी का प्रवाह होता है, और पानी जो होती है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, टर्बाइन रोटेट होता है जिसके कारण हम प्रकाश उत्पादन कर सकते हैं, और ये प्रकाश का प्रयोग एवं उपयोग हम अपने घर में अलग अलग अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र बिंदु कौन सा है। जैसे कुछ समय पहले हमने एक्सरसाइज किया, राइट। हमने ये संकल्प किया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, और धीरे से वो जो संकल्प जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, और मैंने धीरे से हाथ उठाया, धीरे से मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, मैंने प्राणायाम किया, मैंने सूर्य नमस्कार किया। ये सारा एक्सरसाइज या व्यायाम तो मैंने किया, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर मेरे हाथ को भी उठाना है तो ये कर्म हो रहा है। तो ये जो ऊर्जा जो है जिसके द्वारा मैं अपना हाथ उठा रहा हूँ, उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु कहाँ पर है और कौन है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, एक व्यक्ति रस्से से चल के जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन, डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट इज ब्रॉट लेट, इससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाते हैं और कहते हैं टेक द बॉडी आउट, आते वक्त पेशेंट और जाते वक्त बॉडी, अर्थात पेशेंट और बॉडी के बीच में कुछ अंतर है। जैसे एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, मैं अपने दिल को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा, और वो विल पेपर लिखता है, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के कॉर्निया को निकालकर हम दूसरे व्यक्ति पर फिट कर सकते हैं और वो आंखें देख पाती है। हमारा हार्ट यहां काम नहीं करता है, लेकिन अगर हमने उस हृदय को ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट करते हुए दूसरे किसी शरीर में हमने ट्रांसप्लांट किया तो वहाँ वो दिल धड़कता है। हमारा किडनी यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये किडनी को अगर हमने दूसरे शरीर में फिट किया तो किडनी वहाँ काम करती है। प्रश्न उठता है कि वो यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है। हॉट आयरन बॉक्स जिसे हम प्रेस करते हैं, राइट, हम उसको टच करते हैं, बहुत गर्म होती है, इमीडिएटली हम अपने हाथ को निकाल देते हैं, करेक्ट। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दीजिए, उफ तक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माय ब्रेन, बट आफ्टर डेथ वो क्यों नहीं महसूस कर पा रही है? मृत्यु के बाद मैं अपना हाथ क्यों नहीं उठा पाता हूं? क्योंकि इस हाथ को उठाने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल गया है।
इसीलिए हमको योग में ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। पुरुष और प्रकृति के बीच में संबंध की बात हम सबको पता है। तो प्रकृति हमारा जो शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, लेकिन इस पंचभूतों के पुतले को चलाने वाली मैं इस शरीर से अलग, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन दोस्तों विज्ञान की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। और जब ये ब्रकुटी के बीच में जब ये एनर्जी ऊर्जा प्रवेश करती है, तब हम अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। दोस्तों आप पूछेंगे ये ऊर्जा को समझना क्यों बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो आपको और हमको जो डर लग रहा है ना, वो मृत्यु का भय है। लेकिन जैसे हमें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्मा जो अजय है, अमर है, अविनाशी है, धीरे धीरे मैं इस मृत्यु के डर से ऊपर उठने लगता हूं। और जैसे ही मैं ये श्रेष्ठ संकल्प महसूस करता हूं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई भय नहीं। दोस्तों जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ, धीरे धीरे मैं डर और भय से विस्मृत होता हूँ, मैं उस डर से बाहर निकलता हूँ और मेरे अंदर जो ये ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। इसलिए एनर्जाइजिंग लाइफ में हम सबसे पहले ये महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। चलिए दोस्तों हम प्रकृति के सुंदर सानिध्य में जाते हैं, जहाँ प्रकृति के 5 तत्वों के बीच में ये शरीर अच्छा फील करेगा। और वहाँ पर हम जब स्वयं को महसूस करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंदर शक्ति बढ़ने लगती है। मैं बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से आप सभी को प्रकृति के सानिध्य में निमंत्रण देता हूँ। चलिए मैं अपने आप को प्रकृति के सानिध्य में लेकर जाता हूँ। आवाज की दुनिया से दूर चारों तरफ एक सुंदर सी प्रकृति जो शांत होकर मन को स्पर्श कर रही है। सूर्य की किरणें, हवा का झोंका, पानी की लहरें, विशाल आकाश तत्व पर मैं बैठा हूँ, धरती माँ के गोद में। मैं अपने मन के संकल्पों की गति को धीरे धीरे कम करता हूँ और चारों तरफ के शुद्ध ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी है। मैं इस शरीर में ब्रकुटी के बीच में ऊर्जा का केंद्र बिंदु हूँ। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजय, अमर, अविनाशी एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मेरे अंदर असीम ऊर्जा है। मैं ऊर्जा का भंडार हूँ। मैं आत्मा
इन आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ और अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता हूँ। ओम शांति। हमने अभी ये समझा कि जो ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु है वो ब्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा। अब हम जानेंगे ऊर्जा का प्रवाह, द फ्लो ऑफ एनर्जी। दोस्तों, जो आत्मा अपने अंदर जो संकल्प क्रिएट करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है दो शरीर में फ्लो होती है। एक है हमारा स्थूल शरीर जिसमें सारे सिस्टम अवेलेबल है, और दूसरा है वो हमारा है सूक्ष्म शरीर, द एनर्जी बॉडी, द एथरिक बॉडी। आत्मा जो मन के द्वारा जो संकल्प रचती है और उसमें जो भावनाएं उत्पन्न होती है उससे हमारे चारों तरफ एक प्रकाशमय काया, एक आभा मंडल, एक ऑरा बनता है। दोस्तों, सारे दिन में मैं आत्मा जो संकल्प की रचना रचता हूँ, जो श्रेष्ठ भावनाएं होते हैं उससे मेरा प्रकाशमय काया बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, जिससे मेरा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर मैंने नकारात्मक संकल्प या नकारात्मक भावनाएं मेरे मन में अगर आती है तो मेरा प्रकाशमय काया की जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब उसकी ऊर्जा कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर जो होता है वो रोगी बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा सहज उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हम बहुत सारा सामान भर देते हैं, और अगर हमने लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो सामान है वो जल्दी खराब हो जाता है। उसी तरह मैं श्रेष्ठ और अच्छे संकल्प हर दिन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हम करें कैसे? आत्मा के सात स्वधर्म है, बस मुझे योग में उस स्वधर्म में टिकना है, उस स्वधर्म में स्थित होना है। इसलिए हमेशा आत्मा को सतोगुणी कहते हैं, और जब आत्मा ये सात गुणों में टिकने लगती है तो हमारा जो सूक्ष्ममय काया शक्तिशाली बनता है, जिससे हमारे स्थूल शरीर में जो सात सिस्टम होते हैं उसमें वो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो सुव्यवस्थित ढंग से अपना कार्य करता है। आत्मा के जो सात गुण हैं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ये आत्मा का स्वधर्म है। और जो हमारे स्थूल शरीर के जो सात सिस्टम हैं, पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है हमारा न्यूरो सिस्टम, तीसरा है ENT ईयर नोज थ्रोट सिस्टम, चौथा जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पांचवा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, छठा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और सातवां जो है हमारा मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम। अब फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने स्वधर्म में स्थित होना है। ब्रिकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा चैतन्य आत्मा हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। उसको महसूस करना, क्योंकि दोस्तों वो हमारा स्वधर्म है। और जैसे ही मैं कहता हूं मैं आत्मा आनंद स्वरूप, तो आत्मा से वो आनंद के वाइब्रेशंस हमारे शरीर में जो रास ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको वो टच करती है, और हमारा जो सिक्रीशंस है, हार्मोनल सिक्रीशंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर हम बहुत खुश होते हैं तो आत्मा जो होती है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफेलिन्स कहते हैं। लेकिन अगर दुख, डर, भय, चिंता का संकल्प अगर हम क्रिएट करते हैं तो
तो आत्मा जो है वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, जिससे हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जिसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं, जिसके द्वारा फिर वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। इसलिए मैं आत्मा आनंद स्वरूप, उसको महसूस करें, करेक्ट। और जैसे ही मैं महसूस करता मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, तो हमारा जो सहस्त्रार चक्र है वो ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। इसलिए आपने योगा में 7 चक्रों की भी बात कही। ये 7 चक्र कोई स्थूल शरीर में नहीं है दोस्तों, लेकिन वो हमारे ऊर्जा के काया में है, हमारे प्रकाशमय काया है, और उसको कहते हैं भावनात्मक केंद्र बिंदु, दे कॉल्ड इज इमोशनल सेंटर्स, राइट। तो जैसे ही मैं महसूस करता हूं मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर का सहस्त्रार चक्र खुल जाता है। स्वदर्शन चक्र फिर आने से, अर्थात स्व का दर्शन करने से, हमारे प्रकाशमय काया का हर चक्र काम करने लगता है, जिसका प्रभाव वो हमारे स्थूल शरीर में पहुंचता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहां पर आप देखेंगे कोई पेशेंट लेटा हुआ है, अब उसका शरीर तो बहुत कमजोर है, अब वो शरीर के द्वारा तो वो शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकता है, लेकिन लेटे हुए भी वो श्रेष्ठ संकल्प कर सकता है, क्योंकि उसका स्वधर्म ये 7 गुण है। तो जैसे ही वो ये श्रेष्ठ संकल्प करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके आत्मा के अंदर जो बल है वो प्रवाह होने लगता है, और धीरे धीरे उसकी जो शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, और वो जल्दी ठीक होकर वापस आ सकता है। और ऐसे ऊर्जा के प्रवाह के लिए आत्मा के 2 फैकल्टी को यूज करना है, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो मन का काम है विचार करना, और बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। जैसे मैं कहता हूं सूर्योदय, तो जैसे ही मैं वो सूर्योदय कहता हूं, तो वो संकल्प आप तक पहुंचता है, आपके मन ने उसको स्वीकार किया, इमीडिएटली आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाती है, और मैं मन बुद्धि से सुबह सुबह का सूर्योदय देख सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी तो हमने समझ लिया है, अब हम इसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करके देखते हैं। तो मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा, वो संकल्प आपके मन तक पहुंचेगी, और बुद्धि उसका चित्र निर्माण करना। क्योंकि हम ऊर्जा के प्रवाह की बात कर रहे हैं, तो हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे और स्थूल पानी के प्रवाह को देखेंगे। पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, वहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे, और जब आप ये अच्छा सा सुंदर सा दृश्य देखेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी 70% से ज़्यादा पानी है, तो जैसे ही आप वो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो महसूस करना आत्मा से ये पॉजिटिव ऊर्जा सारे, है ना, सूक्ष्म शरीर में भी और हमारे स्थूल शरीर के हर सिस्टम तक पहुंच रही है, और हम स्वस्थ बनते जा रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति। मैं इस सुंदर से झरने को देख रहा हूं, पानी में कितनी ऊर्जा व शक्ति है, कितनी उमंग उत्साह से आगे अपने लक्ष्य तरफ अग्रसर है। वैसे मैं भी ब्रकुट के बीच में एक चैतन्य ऊर्जा हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। ब्रकुट के बीच से आत्मा से आनंद के वाइब्रेशंस मेरे पूरे शरीर में प्रवाह हो रहा है, और मेरी रास ग्रंथियां एंडोक्राइन सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के वाइब्रेशंस, ज्ञान की ऊर्जा मेरे सारे मस्तिष्क पर फैल रहा है, मेरा न्यूरो सिस्टम चार्ज हो रहा है,
मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के वाइब्रेशंस मेरे ENT या नोज थ्रोट तक पहुंच रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम के वाइब्रेशंस एक झरने की तरह बह रहा है। मेरे चारों तरफ प्रेम का आभा मंडल और ये प्रेम के वाइब्रेशंस मेरे दिल को बहुत सुकून दे रही है। मैं आत्मा सुख स्वरूप, सुख के वाइब्रेशंस मेरी पाचन प्रणाली स्वस्थ बना रही है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मेरा रक्त पवित्र बनता जा रहा है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, शक्ति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है और मेरे शरीर की जो मांसपेशियां और हड्डियों को शक्तिशाली बना रही है। मेरे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल बन गया है। ओम शांति। अभी तक हमने इस टॉपिक एनर्जाइजिंग लाइफ में दो बातें देखी, एक तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र बिंदु मैं आत्मा। दूसरी बात हमने देखी द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। अब जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, इस ऊर्जा का प्रयोग और उपयोग। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं जो NSG कमांडोज को एक सेशन ले रहा था और आप सभी जानते हैं जब भी हमारे शहर में या देश में कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो हम बहुत प्यार से ये ब्लैक कैट कमांडोज या NSG कमांडोज को याद करते हैं। जब मुंबई कुछ वर्ष पहले जल रहा था तो वो दृश्य हमारे मन में आज भी अंकित है, जैसे वो ताज के ऊपर वो हेलीकॉप्टर्स वो NSG कमांडोज उतरे और हम सभी की सुरक्षा और रक्षा किए। हम उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देते हैं। तो जब मैं NSG कमांडोज को सेशन ले रहा था तो मैंने उनको यही बात बताई कि आप अपना रोल प्ले करते हुए, जो सभी रोल प्ले कर रहे हैं वो रोल प्ले करते हुए अपने रियल कॉन्शियसनेस में आना। सारे दिन में दोस्तों हम बहुत सारा रोल प्ले करते हैं, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे ऑफिस में। वो रोल प्ले करते हुए जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तब वी कॉल इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम कर्म योगी कहते हैं। मैंने NSG कमांडोस को कहा आप 7 गुणों में 3 गुणों का एप्लीकेशन हर दिन जरूर करना। ब्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ मैं सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ये तीनों का हर पल हर क्षण में वो स्मृति रखना बहुत जरूरत है। अब जब मैं कहूंगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या अपने बडीज के साथ आप शांत स्वरूप रहना बहुत जरूरी है। जब आप घर में जाते हैं तो एक कमांडो के रूप में नहीं जाना, क्योंकि वहां पर आप पति का रोल प्ले कर रहे हैं, पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब आप घर में जाएंगे, क्योंकि रोल आपका चेंज हो रहा है, उस समय आप महसूस करना मैं ब्रिकुटी के बीच में एक चैतन्य ऊर्जा हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। क्योंकि घर में प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मैंने उन कमांडोज को कहा कि जब आप एक फील्ड में जाते हो, किसी आप युद्ध मैदान में जाते हो, तब आप महसूस करना मैं आत्मा शक्ति स्वरूप।
क्योंकि वहां पर आपको परिस्थिति से सामना करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के स्वधर्म को महसूस करते हुए हमें जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। शांति, प्रेम और शक्ति, आप इसको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में आपको कभी कभी लगता होगा मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई क्या होगा। अब यहाँ पर मन में इतने सारे संकल्प चल रहे हैं कि आपको नया रचनात्मक कोई आइडिया शायद मन में आएगा ही नहीं। चिंता करके फायदा नहीं है दोस्तों, चिंता करने के बजाय स्वचिंतन करना है और प्रभु चिंतन करना है। जैसे अगर आप इस कश्मकश में हैं कि मैं इस समय क्या करूं, सबसे पहली बात मन को शांत रखें, क्योंकि हर ताले की चाबी होती है। जैसे पानी होता है ना, पानी में बहुत हलचल है और उस पानी के हलचल के नीचे आपकी चाबी पड़ी हुई है और आपकी चाबी सिर्फ आपको दिखाई देगी। तो करना क्या है, जब हम मन को शांत रखते हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ चित्र बनाते हैं, तो हलचल जो है, जो हमारी मन और बुद्धि की अवस्था के लिए कहा गया है, उसके नीचे आपको एक नया रचनात्मक हल या निवारण या समाधान मिल सकता है। इसीलिए हम कुछ समय निकालते हुए मन को शांत, मन को शीतल करें, जिससे हम अपने प्रॉब्लम का निवारण जरूर जरूर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब हम मन को शांत और प्रेम स्वरूप रखेंगे तो हमारे आपस में जो संबंध है वो भी बहुत मधुर और बहुत मिठास हो सकते हैं। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम पूरा दिन स्वचिंतन करते हुए दिल से ईश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है। तो बीच बीच में दिल से जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हम सबको पता है हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत हैं। तो जैसे ही हम मन और बुद्धि से उस परमात्मा को देखने लगते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है और उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र में हमको सहज सफलता मिलने लगती है। तो चलिए दोस्तों, चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर मैं कर्म कर रहा हूँ, ये स्मृति ही योग है और इससे हमारे जीवन में सहज समृद्धि आ सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को बहुत मजे से किया होगा और स्वामी भाई के द्वारा एनर्जीज ऑफ लाइफ के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त की होगी। आप सबको एक हंसी की बात सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक अपने मित्र से पूछ रहा था कि क्या आप योगा करते हो, तो उन्होंने बड़े गंभीरता से कहा हाँ जी मैं करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हैं आप, वो कहते हैं सुबह सुबह उठकर पद्मासन की मुद्रा में बैठकर अपने बाएं हाथ में मोबाइल लेकर के घंटों तक मैं व्हाट्सएप में सबको गुड मॉर्निंग और बाकी मैसेजेस भेजता रहता हूँ। ये भी एक योगा का भाग ही है दोस्तों। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, ये योगा के कैटेगरी में नहीं आता है, इसे योग नहीं कहते हैं। कहते हैं लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज अ डांस, डू इट ब्यूटिफुली। लाइफ इज अ ड्रामा, एक्ट राइटियसली। और इसी अंदाज में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं टीवी एक्टर रोहित खुराना, जो कि बहुत ही पोइटिक लैंग्वेज में अपने इंस्पिरेशन हमको देंगे। और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी एक्टर एंड प्रोड्यूसर ब्रदर करण आनंद, जिनको बिहार गवर्नमेंट ने, गोवा की गवर्नमेंट ने और लायंस क्लब ने सम्मानित किया। चलिए सुनते हैं अनुभव। ओम योग, योगनाथ अनुवाद। हाय एवरीवन, आई एम रोहित खुराना। मुझे ऐसा लगता है कि योगा इज लाइक अ डांस बिटवीन सरेंडर एंड कंट्रोल। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ सिक यू आर,
or how out of shape you are, you can always begin with yoga. Yoga adds years to your life and life to your years. मैं योगा इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता बिकॉज आई वांट टू गेट बेटर एट योगा. मैं योगा इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट बेटर एट लिविंग. हैप्पी इंटरनेशनल योगा टू ऑल ऑफ यू. हैव अ ब्यूटीफुल डे. थैंक यू सो मच. योगा और मेडिटेशन को अपनी जीवन की रोज की दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए. आज ही इंटरनेशनल लेवल पर प्रूफ हो चुका है कि योगा ने कोविड को हराया है. जिसके लंग्स स्ट्रांग हैं, जो भी अनुलोम विलोम और कपालभाति ये तीन प्राणायाम कर रहे हैं, उनका कोरोना कुछ नहीं कर पा रहा है. हुआ भी है तो वो ठीक हो गए हैं, ये प्रूफ हो गया है. इसके साथ अगर आप मेडिटेशन शामिल करते हैं तो आप दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, आप जिंदगी के सही फैसले ले पाते हैं और सब कुछ सही तरीके से होता है. आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को माना जा रहा है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति की चीज़ें थी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वो सही जीवन जीने का तरीका है. इसको हमारे सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री के लोगों ने माना है और आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं. है ना कितनी बड़ी बात. तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने इस भाग दौड़ के जीवन में आधा पौना घंटा निकालिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इसको जरूर शामिल करिए, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल भी बहुत मजबूत करता है. अगर आप करेंगे ना तो ये जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटी, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली, माइग्रेन है, सर दर्द है, ये सब भागेगा और आप एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन जिएंगे. अच्छी सोच, अच्छा विचार आएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूं और मुझे रिजल्ट दिखता है. तो मैं आप सब से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी अपने जीवन में इसको जरूर शामिल करिए और अपने परिवार को भी कराइए. तो ये कोविड वोविड सब भाग जाएगा, एक नहीं रहेगा. ओम शांति. योग मन के उतार चढ़ाव को स्थिर करने की प्रक्रिया है. अगर शरीर धनुष है, योग तीर है, तो आत्मा परमात्मा सुख और शांति इसका लक्ष्य है. दोस्तों, क्या खूब कहा है, दुनिया की सब बातों से होकर के अन्नो होकर प्रभु प्रीत में हम करे शुभ भावना से योगाध्यान. कल तक के लिए इस भावना के आधार से हम रहें और योगाथॉन को अपने जीवन में आत्मसात करें. कल के हमारे योगाथॉन में शामिल होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, मुकेश खन्ना, डॉक्टर रमाकांत पांडा, ब्रदर निरंजन खीरनंदानी, डॉक्टर मोहित गुप्ता, कविता बहन और इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर पूनम रावत. हर दिन कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच एक फरिश्ता आएगा और हम सबको ब्लेसिंग देकर के जाएगा. दोस्तों, कल तक के योगा फॉन के लिए उस फरिश्ते की ब्लेसिंग के साथ कल सुबह हम 8 बजे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते और ओम शांति. दिल पाँच अक्षर का है, दिल भावनाओं की तिजोरी है. आओ आज दाता बन, अपनी पवित्र शुद्ध भावनाओं की संपत्ति का दान करें.